क्या कहना चाहेंगे? आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेश गर्ग पंचकुला में रहता हूं और मैं आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश का ट्रेड सेल का अध्यक्ष हूं, जो कि दिल्ली में जो स्वाति मालीवाल के साथ जो गुंडागर्दी हुई है उससे हमारा जो अग्रवाल समाज है वो शर्मसार है। और जो जुल्म का जवाब वोट से देने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो अपने उन्होंने जो उनके घर में बेटी के समान स्वाति मालीवाल है उसको भी उन्होंने नहीं बख्शा और खुद गुंडागर्दी करके और जुल्म के खिलाफ वोट का आह्वान कर रहे हैं। अग्रवाल समाज को क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का बहिष्कार करेगा। और मैं आज इस घटना से दुखी हो करके बहुत भारी मन से अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं और मैं आम आदमी पार्टी को छोड़ रहा हूं। क्या पद है आपका सामाजिक पार्टी में? मेरे पास ट्रेड सेल का मैं प्रधान हूं स्टेट का। अकेले आपके साथ और लोग जा रहे हैं? देखिए और लोग जो आएंगे मैं भी इस्तीफा दे रहा हूं। और मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी पार्टी को भी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं और मैं पूरी तरह से नवीन जिंदल का साथ दे रहा हूं और हमारा पूरा समाज और जो हमारी संस्था है अग्रवाल सेवा संगठन हरियाणा लेवल की हमारी संगठन है जिसमें हमारे सारे 22 जिलाध्यक्ष हैं, महिलाध्यक्ष हैं 22, तो हमारा पूरा संगठन नवीन जिंदल का साथ दे रहा है क्योंकि नवीन जिंदल बहुत ही काबिल इंसान है और इसने क्षेत्र के लिए पिछले 10 सालों में बहुत कुछ किया है और अभी भी रोजगार के लिए बहुत भारी प्यासरत है। और दो बड़े जो इसका विकास के लिए जो कौशल केंद्र दो बढ़ा करके और नवीन ये भी कह रहे हैं कि हम 10,000 बच्चों को हर साल नौकरी देने का कार्य करेंगे। हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इस विषय में मैं और हमारी पूरी संस्था नवीन जिंदल का साथ दे रही है। गुप्ता जी जो हैं ये स्थिर नहीं है। सुशील गुप्ता जी जब कांग्रेस पार्टी में थे तो इन्होंने केजरीवाल पर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए थे और इन पर भी 50 करोड़ में टिकट लेने का इल्जाम कुमार विश्वास ने लगाया था। और इनको लिए ये सुशील जी जो हैं किसी भी कीमत में नवीन जिंदल का मुकाबला नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने किसी भी बात पर वो नहीं टिके, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सोनिया जी को शीला दीक्षित जी को जम करके उन्होंने भला बुरा कहा और स्वर्गीय राजीव गांधी का भी उन्होंने भारत रत्न वापस करवाने की मांग की थी। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी क्यों उनको अपने सिर पर उठाए घूम रही है। वो किसी भी काबिल से हरियाणा में वोट मांगने के काबिल नहीं है और उन्होंने नशाखोरी की जो बात उन्होंने करी थी उसमें एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे करके और नशे को बढ़ोतरी करने का उन्होंने कार्य किया जिसमें वो बुरी तरह फंस गए हैं और उसमें उनको जेल भी जाना पड़ा है और उस उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे हैं घोटाला करने के। केजरीवाल जी को आदत है कि वो जो भी माफी मांग लेते हैं, उन्होंने जैसे अरुण जेटली से और गडकरी से के खिलाफ बोले हैं और बाद में लिखित माफी मांग ली, ऐसे इस तरीके से वो माफी भीर हैं। परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे केजरीवाल जी, लेकिन जैसे ही वो अंदर हुए और उन्होंने अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सक्रिय हो गए और उनकी जो पत्नी है श्रीमती सुनीता जी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके ही दिशा निर्देश करने लगे। तो इसके अलावा कुछ लोग और भी आए आपके साथ या अकेले आज आप कर रहे हो? नहीं, हमारे साथ बहुत लोग हैं। आज तो मैं यहाँ पे अकेला हूँ लेकिन बहुत लोग जो हैं केजरीवाल की नीतियों से दुखी हैं और काफी लोग टूट करके हमारे साथ आ रहे हैं। जिस तरह से बात कर रहे हैं आप अग्रवाल समाज की, सारे जो सभी लोग हैं जो कुछ क्षेत्र से विरोध करेंगे तो क्या कुछ रणनीति रहेगी विरोध करने? देखो जी, रणनीति तो यही रहेगी और मेरी सभी साथियों से हमारे अग्रवाल बंधुओं से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वोट नवीन जिंदल को दे करके केजरीवाल को उसकी गुंडागर्दी का जवाब दें।